कह नहीं सकते हैं, हम तो गडकरी जी की बात पे यकीन करते हैं जिनका ये कहना था कि ये क्रिकेट का मैच है, आखिरी गेंद तक कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए बीजेपी आगे बढ़ गई, 37 रुझानों में मतलब 81 में से 80 रुझान सामने आ चुके हैं, 37 पर बीजेपी आगे चल रही है, 34 पर कांग्रेस, कांग्रेस घट गई है, कांग्रेस उसका अलायंस घट गया है, 806 सीटों पर आगे चल रही है। मैं अपने सभी पैनलिस्ट से एक एक क्विक रिएक्शन ले रही थी, सतीश जी त्रिशंकु या डिसाइसिव वर्डिक्ट? त्रिशंकु की ओर जाएगा माचल जी जिस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसी स्थिति में आशु का रोल एक किंग मेकर के रूप में उभर के सामने आगे चल रही है। मैं अपने सभी पैनलिस्ट से एक एक क्विक रिएक्शन ले रही थी, सतीश जी त्रिशंकु या डिसाइसिव वर्डिक्ट? त्रिशंकु की ओर जाएगा माचल जी जिस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन वैसी स्थिति में आशु का रोल एक किंग मेकर के रूप में उभर के सामने आ सकता है, जैसा कि हरियाणा में तो छोटी पार्टीज आजसू जेवीएम इत्यादि का किंग मेकर बनना, अब अगर त्रिशंकु विधानसभा होती है तो उस तरफ ज्यादा इशारा है। मनीष जी त्रिशंकु या डिसाइसिव वर्डिक्ट? नहीं, ये डिसाइसिव होगा, या तो जेएमएम गठबंधन को ये थोड़ा ठीक करना पड़ेगा, कांग्रेस प्लस नहीं है, जेएमएम प्लस है, जेएमएम गठबंधन को, महागठबंधन को या बीजेपी को, दोनों में से कोई भी मतलब मिलके ही बनाए, इधर वेज या इस तरफ या उस तरफ, लेकिन वहां पर जनता जो है वो एक मन बना के चलेगी और एक जगह पर वर्डिक्ट देगी। त्रिशंकु आपको लग रहा है नहीं होगा? विजय कौशिक जी, आचल जी मुझे भी यही लगता है कि भी जनता का जो निर्णय है वो एक तरफ रहेगा और जिसको भी मिलेगा स्पष्ट बहुमत मिलेगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस गठबंधन सरकार वहां पर बनेगी। नहीं सर, महागठबंधन जेएमएम, महागठबंधन एक ही बात है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और नहीं, आप ये देखिए बीजेपी अकेले 37 पे है। रजत राकेश टंडन इस वक्त सीधे रांची से जुड़ रहे हैं, आप दोनों बाद में थोड़ा सा लड़ लीजिएगा। रजत राकेश टंडन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रजत बिल्कुल एक्साइटमेंट चल रही है 2020 मैच की तरह। बिल्कुल, देखिए ऊपर और नीचे का गेम जो है वो 2020 मैच की तरह चल रहा है, इसीलिए शायद जो बड़े लीडर्स हैं यहाँ पर रांची में पार्टीज के, वो घर से या होटलों से बाहर नहीं निकले हैं। मैं इस वक्त जेएमएम के जो प्रदेश कार्यालय है उसके बाहर खड़ा हूँ, आप पीछे मेरे देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय कार्यालय है, बड़ी पार्टी है कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ महागठबंधन चुनाव लड़े, लेकिन बिल्कुल सन्नाटा नजर आएगा। जब पूछा तो यही जवाब मिला कि 10 बजे के बाद ही यहां पर भीड़ आपको नजर आएगी। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय कार्यालय है, बड़ी पार्टी जो चुनाव लड़ रही है बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ अलायंस में, लेकिन आप ये दफ्तर देखेंगे अंदर बकायदा होर्डिंग्स है, सब कुछ तैयार है, लेकिन अभी फिलहाल हेमंत सोरेन या फिर पार्टी का कोई भी बड़ा नेता यहां पर नहीं आया है। तो बड़ी वजह यही है ना आने की कि लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि ये जो कश्मकश की स्थिति है किस तरीके से रुझान आ रहे हैं, किस तरीके से सीटों में तब्दील होते हैं, क्या क्लियर मैंडेट किसी को मिलता है नहीं मिलता है, क्या और जो दल है आजसू हो या बाबूलाल मरांडी हो, इंडिपेंडेंट हो, इनके साथ सरकार बनाने की कवायद शुरू होती है। इसलिए अभी कोई आया नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है, ना कोई जश्न की तैयारी। ठीक है, जेएमएम हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी ने भी मोतीचूर के लड्डू के ऑर्डर नहीं दिए अभी। बिल्कुल ऑर्डर नहीं दिए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं और सब लोग नजर बनाए हुए हैं। कुछ लोगों से बात हुई तो वो यही कह रहे थे कि इंडिपेंडेंस पे सबकी नजर है, आजसू से लोग बात कर रहे हैं, और क्या अगर कमी पड़ती है तो कैसे पूरा किया जाए, अपने विधायकों को कैसे होल्ड किया जाए, सारी पावर जो है और सोच है वो सेलिब्रेशन के आगे उसमें लगी है कि आंकड़ा कैसे मिले या आंकड़े तक कैसे पहुंचा जा सके। इसलिए पार्टी कार्यालय लगभग सभी राजनीतिक दलों के रांची के अंदर बिल्कुल सुनसान पड़े हुए हैं। बड़ा उलटफेर अभी कम से कम रुझानों के लिहाज से होता हुआ नजर आ रहा है। अभी कुछ देर पहले तक जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन था, वो बहुमत के आंकड़े के बहुत करीब पहुंच गया था, बल्कि यूं कहिए बहुमत का आंकड़ा ऑलमोस्ट रुझानों में छू लिया था। ये देखिए ये बाजी पलटती हुई नजर आ रही है, अब 38 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, जबकि कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी का जो अलायंस है वो 33 सीटों पर आगे चल रहा है। अगर आप आजसू जेवीएम और अन्य पर नजर डालें तो उसकी सीटें जो आगे चल रही थी वो रुझानों के हिसाब से वो थोड़ा सा पीछे होगी, और इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश इस वक्त जुड़े हुए हैं लगातार रांची से। राकेश, इस वक्त क्या खबर मिल पा रही है, जो मेन प्लेयर्स हैं हेमंत सोरेन, रघुबर दास, ये सब लोग क्या कर रहे हैं? अभी भी एक टफ फाइट थी जो लगातार चर्चा में थी, लेकिन फिलहाल वो आगे चल रहे हैं रघुबर दास। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन की आप बात करिए तो वो लोग
वो लोग फिलहाल अपने घर पे हैं और लगातार नेताओं के टच पे हैं और टेलीविजन स्क्रीन पे इंतजार कर रहे हैं कि मैजिक फिगर्स आए। कांग्रेस की भी कमोवेश यही स्थिति है, वो भी सिर्फ नजर बनाए हुई है कि कब उसको आंकड़ा मिले जेएमएम के साथ, उसके बाद सेलिब्रेशन के साथ उतरे। तो फिलहाल सन्नाटा है क्योंकि जो रुझान आ रहे हैं वो अप एंड डाउन है। थोड़ी देर के लिए रिलीफ कांग्रेस प्लस अलायंस को है, थोड़ी देर के लिए रिलीफ बीजेपी को है, और कई जो छोटे दल हैं चाहे वो आसू हो या इंडिपेंडेंट हो, उनको लगता है कि अगर मेजोरिटी किसी को नहीं मिलती है तो एक बार फिर बड़ी लॉटरी खुलेगी झारखंड के अंदर। छोटे राज्य आपकी बात हो पाई कि भले ही कांग्रेस जो है वो लगभग बैक सीट में नजर आ रही है, इसके बावजूद जिस तरह की रिलक्टेंस पहले देखी जाती, गोवा दिग्विजय सिंह का अगर एग्जाम्पल देखा जाए, वैसी स्थिति ना हो, इसको लेकर आरपीएन वहां पर कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं? बताया जा रहा है कि वो पहुंच गए, वो इस वक्त कहां है? देखिए, आरपीएन सिंह कल देर शाम की फ्लाइट से रांची पहुंच चुके हैं और बकायदा अपनी टीम के साथ वो पूरे रांची पहुंचे हैं। और जो मेरी जानकारी है कि विधायक कुक के ऊपर जो जीतने वाले हैं या जो बहुत बहुत क्लोज मार्जिन पे जहां फाइट हो रही है वहां पर कांग्रेस की नजर है। साथ ही साथ जो और राजनीतिक दल है उनसे बातचीत का डोर ओपन चल रहा है, कोई ये मना नहीं कर रहा है कि हाँ हमारी बातचीत नहीं हो रही है, चाहे वो अजसू हो चाहे बाबूलाल मरांडी हो, सबसे बातचीत कांग्रेस पार्टी की चल रही है, कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी फाइनल नॉट के लिए इंतजार हो रहा है कि एक बार कुछ एक तस्वीर साफ हो, उसके बाद कांग्रेस पार्टी आगे कदम उठाएगी। शायद मैंने ही गलत पूछ लिया था आपसे सवाल, मैंने पूछा कि मोतीचूर के लड्डू किसने ऑर्डर किए, सवाल ये पूछना चाहिए कि रिजॉर्ट पे बुकिंग कहां कहां पर कौन कौन करा रहा है। देखिए, बुकिंग्स जो है वो हो रही है, लेकिन जिस तरीके के परिणाम थे और जिस तरीके के एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे या फिर जो कॉन्फिडेंस दिख रहा था, उतना खराब बीजेपी जितना आकलन दिल्ली में था कि हाँ बहुत खराब स्थिति है बीजेपी की, फिलहाल रुझानों से नहीं लग रहा है कि उतनी खराब स्थिति बीजेपी की है झारखंड के अंदर। अभी अभी देखते हैं, हम ये आंकड़ा जो है लगातार बदल रहा है, इसलिए ज्यादा एक्साइटमेंट खुश होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है, पता चल जाएगा। हमारी उम्मीद और प्रार्थनाएं यही है कि झारखंड को एक स्थायी, स्थिर और अच्छी सरकार मिले, जो कि आज नतीजा आ जाए। हमारे साथ इस दौरान एक तो सबसे पहले मेरे सहयोगी राकेश पांडे जुड़ गए हैं, साथ ही साथ हमारे साथ शिवम विज जी जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के। राकेश, कुछ पूछना चाहेंगे आप? पहले तो एक तो हंच बताइए, हम जो भी जुड़ रहे हैं हमसे सबसे पहले ये पूछ रहे हैं कि क्या लग रहा है, डिसाइसिव वर्डिक्ट क्या त्रिशंकु? देखिए, सबसे पहले तो जो तस्वीर है आंकड़ों की उसमें बीजेपी आगे है 37 सीटों पर, कांग्रेस प्लस 35, हालांकि इसे जेएमएम प्लस कहा जाए तो ज्यादा बेहतर है। आजसू 5 और जेवीएम 3 और अन्य 1। अन्य में अब यह भी देखना होगा कि वो एलजेपी है, जेडीयू है, कौन है, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए अब फाइनल होने जा रहा है। आजसू और जेवीएम को भी आप जोड़ लीजिए, आप अलग अलग क्यों करती हैं? क्योंकि 37 बीजेपी है, मैं तो मानकर यह चल रहा हूं कि हो सकता है कि ये अब कमोवेश जोड़ तोड़कर जिस तरीके से हरियाणा में, मैं तो राजनीति में कुछ मानती नहीं हूं, आप बता दो एक लाइन में बताओ, त्रिशंकु लग रहा है या आपको डिसाइसिव वर्डिक्ट जनता का लग रहा है? जो आप बात कर रहे हैं वो जोड़ तोड़ की बात कर रहे हैं, डिसाइसिव वर्डिक्ट। शिवम, डिसाइसिव ही लग रहा है, मुझे लगता है आने वाले जो खास तौर पे 16 तारीख को वहां पर जो वोटिंग हुई है, आपने बेहतो साहब और बाबूलाल मरांडी को पहले ही फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजनी शुरू कर दी है कल से, क्योंकि आपको अंदर से एग्जिट पोल ने डरा दिया। ऐसा तो मुझे और मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि हाँ डिसाइसिव ही होगा। अभी शुरुआत के 4 या 5 राउंड्स खुले हैं, उसके बाद आने वाले समय में जो 16 तारीख और 12 तारीख को जो वोटिंग हुई है लास्ट के 2 चरणों में, मुझे लगता है उस रुझान को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। मनीष जी ने अपनी बात नहीं की, एक सेकंड बस, ये पोल हो रहा है हमारा, क्योंकि 12-1 बजे मुझे सबको पकड़ना होगा फिर। मनीष जी, डिसाइसिव है त्रिशंकु? नहीं, डिसाइसिव ही है। और जहां तक रही फ्रेंड रिक्वेस्ट की बात, तो बाबूलाल मरांडी जी और सुदेश महतो जी पुराने ही दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, गले मिल सकते हैं जल्दी। तो बीजेपी की बात करें, बीजेपी से जल्दी गले मिल सकते हैं, आप सही कहना है, मिल सकते हैं, राजनीति है, सब कुछ संभव है। एनीवेज, हमारे यहाँ आप राकेश कुछ कह रहे थे, सॉरी। हाँ, मैं कह रहा था इसलिए कि शिवम जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे थे, शिवम चतरा की रैली में याद होगा अमित शाह बहुत चिंतित नजर आए थे और उन्होंने ये कहा था कि आप सब लोग फोन करिए कम से कम 25-25 लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को ये निर्देश। रैली में भीड़ नहीं आ रही थी, रैली में भीड़ नहीं थी, सिर्फ मुझे लगता है कि 10,000 से भी कम की भीड़ थी। तब अमित शाह ने कहा था कि अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया था कि आप सभी को फोन करिए और कम से कम एक जन जो है वो 25 लोगों का वोट दिलाए।
तो ये चिंता तो थी अमित शाह, ये चिंता नहीं है, अमित शाह स्टाइल है अगर आप इसको देखेंगे पूरे चुनाव में, शुरुआत तो 2013 से अगर आप उनको देखते आ रहे हैं तो संगठन को लेकर किस तरह से दिशा निर्देश रहे हैं आदरणीय अमित शाह जी का ये सब जानते हैं, और पार्टी को लेकर कहां से और कहां तक आज 2019 में हम पहुंच चुके हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम बने हैं। तो जाहिर है मैं कहता हूं लास्ट के चरणों में आकर जिस तरह से एक पार्टी को जान लगानी चाहिए और पूरे कार्यकर्ताओं को जी जान से मेहनत करके अपनी पूरी मेहनत देनी चाहिए, वही हुआ है और वही दिशा निर्देश था। शिवम, सवाल ये उठ रहा है कि जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, हालांकि ये तो पल पल की बदल रही है स्थिति, अभी आपके लिए राहत की बात है, आधे घंटे में पता चलेगा, कांग्रेस के लिए राहत की बात है, मैं एक डिफरेंट पॉइंट पे हूँ। अमित शाह जी बहुत मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी बहुत मेहनत करते हैं, मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन लोकल लेवल्स पर मुख्यमंत्री फेल हो रहे हैं। राज्यों में जो हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल मैप जब स्टेट इलेक्शंस होते हैं तो अलग है, जब लोकसभा चुनाव होते हैं तो अलग है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि क्षेत्रीय स्तर पर हर पार्टी के अपने अपने मुद्दे होते हैं और क्षेत्र की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, लेकिन इस बात को अगर देखा जाए तो क्षेत्र और केंद्र की राजनीति ने मिलकर जिस तरह से झारखंड के नतीजे भी अभी आपके सामने हैं, एग्जिट पोल में जिस तरह से हाल बताया, अभी फिलहाल तक के जो नतीजे हैं उनको देखते हुए एग्जिट पोल्स ने जिस तरह से हाल दिखाया था वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है, और कांग्रेस ने जिस तरह से, मुझे लगता है मोतीचूर के लड्डू तो शायद उन्होंने एग्जिट पोल्स देखकर ही मंगवा लिए होंगे, क्योंकि पिछले कुछ समय से नहीं, अभी हमारी बात हुई उन्होंने भी ऑर्डर नहीं किया, वो भी डरे बैठे हैं, और ये अच्छा है, मुझे लगता है नेताओं में ये डर होना चाहिए, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस में हो, कि पासा किसी भी तरफ पलट सकता है, हमें काम करने की जरूरत है। ऐसा तो नहीं है कि रिजॉर्ट की बुकिंग करा ली हो, क्योंकि उस चीज में वो नहीं, हमने वो भी पूछा रिजॉर्ट से, नहीं तो रिजॉर्ट की बुकिंग आपने नहीं कराई थी, कर्नाटका वालों को कहां रखा था, अभी तो रिसेंट महाराष्ट्र हमारे सामने बिल्कुल ताजा है, महाराष्ट्र नहीं, उससे पहले कर्नाटका में जब आप ऑपरेशन लोटस कर रहे तो आप ही सबको महाराष्ट्र लेकर आए थे। ज्यादातर कांग्रेस को जरूरत उसकी पड़ती है और उन्हें ही पड़ेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या जनता ने मुझे लगता है जो मैंडेट दिया है उसमें अभी शायद वो रिजॉर्ट वालों के वैसे दिन नहीं आने वाले हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है पूर्ण बहुमत के साथ, पता नहीं मोतीचूर के लड्डू के कितने बिल होंगे, लेकिन रिजॉर्ट वाले खूब कमाने लगे हैं, उनके अच्छे दिन जरूर आए हैं, ये बड़ा सवाल है। ये तो एक अच्छा जोक चलने लगा था आंचल जी की ट्विटर पर कि अब जो एड होंगे वो रिजॉर्ट्स के, कि आइए हमारे यहाँ विधायक बनते हैं, सरकार बनाई जाती है, तो ऐसे वो प्रमोट करेंगे अपने होटल्स और रिजॉर्ट को। विजय जी, अभी यही सवाल आपसे, क्योंकि रजत हमें कह रहे थे कि बहुत फूंक फूंक के कदम वहां पर रखा जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से ये अब पारी चल रही है ये एक डिसाइसिव वर्डिक्ट की तरफ नहीं है, ये त्रिशंकु विधानसभा की तरफ इशारा है, और ऐसे में कांग्रेस भी अंदर खाने बातचीत करना शुरू हो गई है। देखिए, राजनीति में सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने दोस्त और दुश्मन सबकी पहचान करके हाथ मिलाते रहिए, कब कहां दुश्मनों के साथ ही मित्रता निभानी पड़े राजनीति में, और सरकार बनाने के लिए जरूरी है कि अगर त्रिशंकु वाली स्थिति मतलब आती है, कुल मिला के कांग्रेस की स्थिति यह है कि दुश्मन नंबर वन बीजेपी है, उसके बाद जो भी हो हरे को दोस्त बना सकते हैं दुश्मन को दूर रखने के लिए। देखिए, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह से राजनीति में दुश्मनी की परिभाषा को परिभाषित कर रहा है, ऐसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। जिस तरह से यहाँ विपक्षी पार्टियों को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है सीबीआई और ईडी के माध्यम से, ये कोई अच्छी परंपरा तो कभी है ही नहीं, और इसकी शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। जी, झारखंड पे आइए ना। देखिए, मैं झारखंड पर ही आ रहा हूँ। निश्चित तौर पर कांग्रेस ने जिन मुद्दों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ चुनाव लड़ा है, हम उन सभी वादों पर खड़े उतरेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है। कौन-कौन मुद्दे थे कांग्रेस? कौन-कौन से मुद्दे थे, किन मुद्दों पर आपने समझौता किया, किन मुद्दों पर? हमारा तो सबसे प्रमुख मुद्दा ये था कि झारखंड की जनता के जो प्रमुख मुद्दे हैं, चाहे वहाँ बिजली की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे वहाँ की बुनियादी जरूरतों की बात हो, और उन परिस्थिति में हमें लगा कि भी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ मिलकर एक बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। 5 सालों में सड़कों की जान जो हमें उम्मीद और जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षा के अनुरूप सभी रिजल्ट आ रहे हैं, और अंतिम तक भारतीय जनता पार्टी, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि 50 सीट से ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सीटें हासिल होंगी। तो आपको अभी भी लगता है पार्टी को झारखंड में बहुमत मिलेगा, और जो अभी आप पिछड़ रहे हैं आगे निकल जाएंगे? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ही सरकार बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट जनादेश प्राप्त होगा। किस आधार पर अभी दावा कर रहे हैं? है, मुझे पूरा, मैं 1.5 महीना आ रहा हूं, और कोई जिला, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं बचा जहां नहीं गया हूं। और जिस प्रकार का भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रेटजी रही है, चुनाव के कैंपेनिंग क्या हो, जो मतदाताओं को कैसे हम संपर्क करेंगे, उनके बीच में हमारा कैसे अपील जाए,
सबसे बड़ा सवाल ये जो एक्सपेरिमेंट की लगातार बात हो रही है, हरियाणा में ये पेच इसलिए फंस गया, महाराष्ट्र में हाथ से सरकार चली गई कि भाई जाट लैंड में आपने पंजाबी मुख्यमंत्री बना दिया, मराठा लैंड में आपने देवेंद्र फडणवीस को उतार दिया, और यहां पर तो खास तौर से ट्राइबल जनता है, आदिवासी जनता है, 26% जिनकी पॉपुलेशन है, वहां पर लोग जिस तरह से कानून पे कानून लाए जा रहे हैं लैंड माफी के साथ इंटरप्ट कर रहा हूं आपको। देखिए जो नीचे बड़ी खबर चल रही है कि बीजेपी ने जेवीएम और आजसू से संपर्क कर लिया है, यानी जोर तो कहीं ना कहीं से बीजेपी आगे निकली तो सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। और आजसू के साथ 2014 में पहले गठबंधन में थे, उसके बाद अब गठबंधन तोड़कर अलग अलग चुनाव लड़े, तो मुझे लगता है कि वो एक प्लान रहा होगा। और अब आजसू को सूत्रों के हवाले से कल से खबर आ रही है, अभी शिवम से पूछा था तो वो ऑलमोस्ट डिनाई कर गए थे वो। एनीवे शिवम बात पूरी कर लीजिए। नहीं देखिए राजनीति है, मुझे लगता है कि वैसे भी वो हमारे पुराने साथी रहे हैं, तो अगर ऐसी पुराने साथी रहे हैं लेकिन साथ लेकर नहीं चले। लेकिन नहीं देखिए परिवार अगर होता है तो उसमें लड़ाइयां उठापटक चलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंततः अलग ही हो जाएगा या फिर कभी मिलने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं, आज सवालों से वादा कर रखा हो कि सीएम को लेकिन साथ लेकर नहीं चले। लेकिन नहीं देखिए परिवार अगर होता है तो उसमें लड़ाइयां उठापटक चलती रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंततः अलग ही हो जाएगा या फिर कभी मिलने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। ऐसा तो नहीं, आज सवालों से वादा कर रखा हो कि सीएम को हारा बनेगा। देखिए मुझे लगता है ये कांग्रेस प्लस हटा के पहले आप इसको जेवीएम प्लस कीजिए। मुझे लगता है ज्यादा बेहतर जेएमएम फेस है मुख्यमंत्री का, हेमंत सोरेन फेस है, वो आगे चल रहे हैं, कांग्रेस बैकसीट ड्राइविंग कर रही है, उसको मुझे लगता है जेएमएम कर देना चाहिए, एक वैलिड पॉइंट है, वो ग्राफिक दुरुस्त करा देते। लेकिन शिवम आपने सवाल नहीं दिया, एक्सपेरिमेंट फेल हो रहा है? नहीं मुझे लगता है बिल्कुल फेल नहीं हो रहा है। देखिए अभी टेली देखिए ना, मैं तो टेली देखकर ही बेहद खुश हूं अभी शुरुआती रुझान में जो है, क्योंकि जिस तरह से हालात और जिस तरह से खास मनोहरलाल खट्टर को, अगर ये दुष्यंत चौटाला को अगेन आपने अगर फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट लास्ट मिनट नहीं, ये एक जो मिरेकल आपने किया लास्ट मिनट नहीं किया होता तो हरियाणा में आपकी सरकार नहीं बनती, महाराष्ट्र में आपकी सरकार बनी नहीं, अब झारखंड में भी अगर आपके मुख्यमंत्री ने इतना काम किया, जो 65 पार की बात शुरू में सुनाई दे रही थी वो तो आखिरी फेज तक आते आते सुनाई नहीं दे रही है, घर घर रघुवर का क्या हुआ, ये तो घर वापसी के कम से कम एग्जिट पोल्स में कह दिया घर घर रघुवर तो तय होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी आप देखिए मैं कहता हूं एग्जिट पोल सारे फेल हुए हैं, और दूसरी जहां तक बात है सड़कों का जाल और बिजली का काम वहां पर हुआ है, जहां जिस तरह से एग्जिट पोल्स कब फेल हुए हैं अभी देखिए ना आप शुरुआत में एग्जिट पोल्स में 20-22-24 इस तरह की टेली मिल रही है, तो वैसे भी बीजेपी बहुत प्रफुल्लित रहती है। नहीं लेकिन अभी देखिए ना सिचुएशन किस तरह से बदली है, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि थोड़ा और अगर आप इंतजार करेंगे तो देखेंगे बीजेपी की टेली स्टैंड अलोन सरकार बनाने की है, बावजूद इसके आजू और अगर जेवीएम से हम आजसू और जेवीएम से अगर हम बात कर रहे हैं तो अच्छा ही है। लेकिन एक कॉम्प्लीमेंट्री बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि बाबूलाल मरांडी जो है वो किंगमेकर की भूमिका में हो सकते हैं। शिवम जो आचल बात कर रही थी उस पर एक कॉम्प्लीमेंट्री मेरा सवाल है, उसको ऐड कर दीजिए उसके साथ कि अगर घर घर रघुवर इतना सफल था नारा तो तीसरे चरण के बाद बीजेपी को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? हमेशा पहुंचते हैं चौथे चरण के चुनाव के लिए, रैली करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अगले 4 महीनों में राम मंदिर निर्माण का काम शुरू हो जाएगा, तारीख क्यों बतानी पड़ी? देखिए जितने सारे काम इस 6 साल की गवर्नेंस में हुए हैं या पिछले 6 महीने में हुए हैं उनको पहुंचाना इस सरकार की जिम्मेदारी है। जो चीजें हमने की हैं अगर उसको हम जनता तक लेकर जा रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, और ये चुनाव है, चुनाव में जितने भी सारे काम हुए हैं चाहे वो केंद्र स्तर पर हो चाहे वो राज्य स्तर पर हो राज्य की जनता को बताना बहुत जरूरी है। और रणनीति मुझे लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव में जाती है चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो राज्यों का, आप देखेंगे कार्यकर्ता लेवल से और एक प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष स्तर तक के सभी लोग उस चुनाव में हिस्सा लेते हैं कभी भी, क्योंकि उनको बात बिल्कुल क्लियर है कि हमें देशी में रहना है, थाईलैंड तो जाना नहीं है। नहीं नहीं एक उसका बड़ा बड़ा पक्ष ये नहीं, था कि कंबोडिया था शिवम, प्लीज गेट योर फैक्ट्स। अच्छा इज इट हो सकता है शायद, लेकिन लेकिन थाईलैंड शिवम होकर आए होंगे, मैं तो आज तक कहीं गया ही नहीं सर देश के बाहर, मुझे तो ऐसे बार बार पासपोर्ट बनवाया, देखिए एनआरसी आने वाला है शिवम, फंस जाइएगा, पासपोर्ट है, पासपोर्ट बिल्कुल है और उसकी तो जरूरत है, नेशनल चैनल पे गलत बात मत करिए, कहीं का ठप्पा नहीं है, चेक करवा लेंगे हम। नहीं हाँ बिल्कुल चेक करा लीजिए। अच्छा ठीक है, हमारे साथ चारू प्रज्ञा जो बीजेपी की प्रवक्ता है वो भी जुड़ेंगी ड्यूरिंग द कोर्स। लेकिन मनीष जी एक एक आपसे मेरे को ये सवाल था कि जिस तरह से बाबूलाल मरांडी अब बताया जा रहा है कि किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं, अगर ये अभी टेलीविजन स्क्रीन पर जो रुझान है उनको सही माना जाए तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी के 8 विधायक जिनको 6 को हाईजैक बीजेपी ने कर लिया, ये सब जो खटास थी इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगी, मिठास में तब्दील हो जाएगी? नहीं, जैसा कि मैंने भी कहा और शिवम जी ने भी कहा, बाबूलाल मरांडी जी भी पुराने मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और
भाई भाई में होता रहता है टकरार, ये आ जाएंगे वापस, बहुत जल्दी वापस आ जाएंगे, उनकी घर वापसी हो जाएगी, उनकी घर वापसी रघुवर के लिए आजसू और बाबूलाल मरांडी की घर वापसी की जरूरत है। चारू प्रज्ञा जितने कॉन्फिडेंट पहले नजर आ रहे थे कि आप 81 की 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, 65 पार करेंगे, आखिरकार अंततो गत्वा अगर अभी के रुझान देखे जाए आपको आजसू और जेवीएम की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो हमें ये याद रखना चाहिए कि चुनाव में अलायंसेस होना कोई गलत बात नहीं है। कोई अलायंस प्री पोल करता है, कोई अलायंस पोस्ट पोल करता है। और जहां तक पिछले 5 साल में झारखंड की सरकार की बात है, पहली बार ही झारखंड को ऐसी सरकार मिली है जो 5 साल चली है, तो रघुवर जी से पहले तो झारखंड में कोई सरकार पूरा टर्म कंप्लीट कर ही नहीं पाई थी। मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं, जिनका पेनिट्रेशन झारखंड में ग्रास रूट लेवल तक हुआ है, उनका जो इम्पैक्ट झारखंड में है शायद ही देश भर में और कहीं इतना ज्यादा दिखाई देता होगा। महिलाएं सारी एक तरफा मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी इकट्ठे महाराष्ट्र में, उससे आपको दिक्कत नहीं होती ना? प्री पोल अलायंस की जो सैंक्टिटी है वो रहनी चाहिए। आपके साथ आजसू शामिल थी लेकिन सीट शेयरिंग अरेंजमेंट नहीं कर पाया। नहीं देखिए, हम जब अलायंसेस की बात करते हैं, एक बात हमको याद रखनी चाहिए कि अलायंसेस के लिए एक कॉमन ग्राउंड होना चाहिए। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि एक नॉर्थ की तरफ देखता है, एक साउथ की तरफ देखता है और अलायंस आज कर रहे हैं। वो अलायंसेस चलते नहीं है। महाराष्ट्र में भी आप देखिएगा आगे आगे क्या आपत्ति आती है। वो अलायंस जो होते हैं जहां पर कोई कॉमन ग्राउंड नहीं है वहां परेशानी। बीजेपी की आई थी, वैसे ही आप प्रिडिक्ट कर रही है कि महाराष्ट्र में आएगी। विजय कौशिक जी, एक तुरंत जवाब जी। प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस की सैंक्टिटी में फर्क होता है। अब देखिए जो हालात बनते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वोट आजसू और जेवीएम ही काट रही है बीजेपी का सबसे ज्यादा। अगर वो साथ इकट्ठे होकर चलते तो जो कांग्रेस जेएमएम की टाली है वो नजर नहीं आती। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव से पूर्व जो सर्वेक्षण जो चैनलों द्वारा किए जाते हैं और वोटिंग के बाद में जो किए जाते हैं, दोनों में फर्क होता है। लेकिन वो कितना रिजल्ट में परिवर्तित होते हैं इस बात को आज तक कोई भी तय नहीं कर सकता। इस बात को तो जनता ही जानती है कि उन्हें किन की सरकार बनानी है और किन मुद्दों पर उन्होंने किस पार्टी को चुना है। लेकिन इतना तय है कि ये जो इनके जो दावे थे 65 पार और ये वो सब फेल होने के कगार पर हैं। और कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व ने, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने वहां पर केंद्रीय मुद्दों के ऊपर वहां पर जीत हासिल करने का जो सपना देखा था 65 पार का, वो फ्लॉप हो चुका है और राज्य की जनता ने उन्हें नकार दिया है। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि जो फाइनल रिजल्ट होंगे उनमें भी कुछ फेरबदल हो सकता है। आप कह रहे हो नकार दिया, वो 38 पर है, आप 35 पर है, 40-36 ऑलरेडी हो गया। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि जो 65 पार का नारा दिया था केंद्रीय मुद्दों को लेकर, जो उन्होंने राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर दिया था, वो सब फेल हो चुके हैं। चारों का क्या जवाब दे रहे हैं? कॉन्सोलेशन प्राइज हमें मिल गया। यहाँ पे ये राजनीति है भैया, जिसकी सरकार जो जीता वही। चारू प्रज्ञा जी जी जी, देखिए दावों की बात जहां तक है आचल जी, इनके राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, उनके दावों का क्या हुआ? आज भी विदेश में बैठ के ट्वीट करके झूठ फैला सकते हैं। आज जनता का हालचाल नहीं हो रही है राजघाट से। प्रोटेस्ट करो तो कम से कम शांतिपूर्वक करो। बिल्कुल आज उनकी रीलॉन्चिंग हो रही है राजघाट से। आप ये नहीं बोलिए तरीके से ये लोग राजनीति करते हैं, ये तो कोई टिप्पणियां ना ही करे। लेकिन चारू प्रज्ञा, अगर रघुवर दास ने इतना काम, चलिए वापस आ गए, स्वागत है उनका देश की धरती पर। अगर रघुवर दास ने इतना काम किया तो विदेश में है वो मोतीचूर स्वागत होते थे भारत में, सन्नाटा पसरा है इस वक्त बीजेपी में रांची में, ऐसा क्यों? इसको एक्सप्लेन कर पाएंगी? अगर इतना बीजेपी ने काम किया और इतना भव्य मंदिर भी राम का दे रहे हैं आप, 370 भी है, नागरिकता कानून भी ले आए हैं, तो बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर क्यों नहीं आ रही है? देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि अभी तक हम सिर्फ रुझान देख रहे हैं, इलेक्शन के रिजल्ट हमारी टेबल पर आकर रखे नहीं गए हैं। इलेक्शन किसी भी तरफ जा सकता है और मैंने जैसा आपको कहा पोस्ट पोल अलायंसेस के अभी सारे विकल्प हमारे लिए खुले हुए हैं। उसके अलावा
जहां तक इलेक्शन प्रॉमिसेस की बात है, 90% से ज्यादा जो हमने 2014 में वादे किए थे वो बीजेपी ने निभाए हैं। जैसा मैंने कहा, ग्रास रूट लेवल तक डेवलपमेंट पहुंचाने का काम रघुवर सरकार ने किया है। लेकिन कभी कभी नेशनल इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में अलग अलग मुद्दों पर इलेक्शन लड़े जाते हैं। खत्म हो गया, जय हिंद कर दीजिए, उसको छोड़िए। लेकिन कौशिक, अगर अगर महाराष्ट्र के एग्जाम्पल को हटा दिया जाए, कैंपेन खत्म हो गया है, सरकार बना ली, अगर महाराष्ट्र के एकमात्र एग्जाम्पल को, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज को, और आपने जिस तरह से जैसे तैसे सरकार बना ली, अगर उसको हटा दिया जाए, जब भी त्रिशंकु विधानसभा की सीट की इस तरह की स्थिति सामने आती है, बीजेपी हमेशा मात देती है कांग्रेस को। देखिए, बीजेपी सत्ता का दुरुपयोग करके अपने मंसूबों को अंजाम दे रही है। आज इनके पास धन बल सारी चीजें हैं, इसके अलावा विरोधियों को धमकी देने का हथियार इनके पास है, सीबीआई और ईडी, तो जिसको भी चाहते हैं अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं। ये इसमें मैं मानता हूँ। अच्छा, आपने ईवीएम लिस्ट में नहीं जोड़ा, विजय कौशिक जी, ईवीएम लिस्ट में नहीं जोड़ा, बाद में आएगा ना जब टेलीविजन देखिए। ईवीएम को लेकर हमारी पार्टी स्पष्ट कर चुकी है कि आज भी ईवीएम के ऊपर हमारा संदेह खत्म नहीं हुआ है, निश्चित तौर पर। लेकिन सवाल ईवीएम को अपनाया गया, वहाँ पर बाद में ईवीएम को लगा दिया गया, जीत जाएंगे उसके बाद बोलेंगे ईवीएम में आपत्ति थी। बहन जी, आप ये बताइए, आप राहुल गांधी जी को रिसीव करके ला रही हैं? नहीं, नहीं ला रही है। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। आप पहले बताइए, आपके मुताबिक राहुल गांधी जी विदेश में हैं और आप स्वागत कर रही थी उनका, ईवीएम पे प्रश्न, तो क्या आप एयरपोर्ट से बोल रही हैं? मेरा क्या लेना देना राहुल गांधी, आप एयरपोर्ट पर राहुल गांधी जी को रिसीव करके ला रही हैं? नेता देश में ही रहते हैं, हमें ये सब परेशानी नहीं है। मेरा क्या लेना देना समस्या ये है, शर्म आती है सोच के कि हमारे देश में ऐसे ऐसे नेता भी हैं, अपनी जनता को शर्म आती है। आप कांग्रेस की कार्यकर्ता है या भाजपा की कार्यकर्ता है, आप शर्म क्यों महसूस कर रही हैं भाजपा में रहकर? नहीं, मैं आपकी पार्टी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, तो फिर आप किस बात की शर्म महसूस कर रही हैं? आपका लेना देना होना चाहिए, इसमें खुशी महसूस करेंगी आप? अरे कुछ भी हो, आप राहुल गांधी जी के प्रति इस तरह के असभ्य शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पर्सपेक्टिव ले लेते हैं, आपकी पार्टी को जमीन पर काम कराइए ना। आपका बेरोजगारी की हालत है, आज देश के हालात कहाँ है, कहाँ आप लोग देश को ले जा रहे हैं ना? देश साथ में जा रहा है ना सर, विजय कौशिक जी, देश साथ में जा रहा है ना। आप अगर उतना भी क्रेडिबल चेहरा नहीं दे पा रहे, एक ऑल्टरनेटिव विकल्प नहीं दे पा रहे, तो ये समस्या आपकी है। एक मिनट रुक जाइएगा। मनीष जी, आप ये कह रहे थे कि आपका जो हंच है, आपकी गट फीलिंग है, वो ये कहती है कि डिसाइसिव वर्डिक्ट होगा, लेकिन अभी की स्थिति बिल्कुल नेक टू नेक फाइट चल रही है, बीजेपी 37 पर, कांग्रेस 36 रुझानों में आगे चल रही है। जब इस तरह की स्थिति होती है, बीजेपी को मात ही नहीं दे सकती है कांग्रेस? नहीं, अभी भी आप जोड़ तो समीकरण वही है जो अभी थे मौजूदा सरकार में, 37 प्लस 5 तो अलायंस, घर में तो सीटें हैं उतनी इनके पास अभी, रुझान की अगर बात करें तो, प्लस बीजेपी इकलौती सबसे बड़ी पार्टी के निकल रही। राजीव रंजन जी, ये जो रुझान आ रहे हैं, क्या कहेंगे झारखंड के रुझान पे? देखिए, रुझानों पर प्रतिक्रिया देने का अभी उचित वक्त नहीं है, हमें परिणाम की प्रतीक्षा करनी चाहिए। और ये तो कम से कम आधे राउंड्स पूरे हो जाए, तब हम ये कह सकते हैं कि वास्तविक परिणाम वहां क्या होंगे या वास्तविक परिणाम के करीब क्या निष्कर्ष निकल सकते हैं। इसलिए अभी इंतजार कीजिए, परिणाम आने दीजिए। लेकिन जो एग्जिट पोल था उसमें इतर एकदम ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है। देखिए, एग्जिट पोल तो अपनी जगह पर है, वास्तविक तौर पर कई बार एग्जिट पोल के जो निष्कर्ष होते हैं उससे वास्तविक परिणाम अलग रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में जो नरेंद्र मोदी जी की सभाओं का असर है, जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में एक ऐसा अद्भुत वातावरण बनाने की कोशिश की जिसका लगातार उनकी पार्टी को फायदा मिलता रहा है, तो हो सकता है झारखंड में भी भारतीय जनता पार्टी स्थानीय कारणों से बहुत अच्छा नहीं कर पा रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी की सभाओं का असर हो सकता है वहां दिखे। आपकी पार्टी भी वहां लड़ी। तो सुना आपने राजीव रंजन को, शिवम इतना सूझबूझ के फूंक फूंक के जवाब दे रहे हैं और आपके साथ नहीं गए, ऊपर से एलजेपी आपके साथ नहीं गई, वो तो मौसम वैज्ञानिक है पासवान जी, तो कभी उनकी प्रिडिक्शन तो गलत ही नहीं निकलती है, तो ये खुद अपने आप में आपको डराता है थोड़ा?
नहीं, बिल्कुल भी नहीं डराता। मुझे लगता है मौसम वैज्ञानिक भी हमेशा मौसम सही तरह से प्रिडिक्ट करे वैसा जरूरी नहीं है। और इस बार तो दिसंबर में सर्दियां गलत प्रिडिक्ट, अभी तक के हालात में स्क्रीन आपके सामने है, तो जितने भी राउंड्स की अभी काउंटिंग हुई है उसके बाद सिचुएशन आपके सामने है। नहीं नहीं, लेकिन शिवम दिक्कत तो थी ना, क्योंकि अगर रैलियों की तुलना करिए 3 गुना कम रैलियां हुई है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगर बातचीत करें, और कुल 18 रैलियां की हैं, 7 जिलों को 7 सीटों को कवर किया अकेले अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने, तो ये तो कहीं से डर था कि जो लोकल इश्यूज हैं वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर रहे इसलिए नेशनल इश्यूज वहां पर हावी किए जाए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र की, उससे पहले मैं हरियाणा की, अभी आप दिल्ली आगे देख लीजिएगा, और मैं कहता हूं 14 के बाद से अगर आप स्ट्रैटेजी देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे केंद्र नेतृत्व ने हर जगह रैली की है। आप अभी कह सकते हैं कि केंद्र के मुद्दों को लेकर देश में जाया जा रहा है या फिर राज्य के मुद्दों को दबाया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक वर्किंग स्टाइल भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से अमित शाह जी की लीडरशिप में रहा। देखिए, विरोधी क्या बोलते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जनता का झुकाव देखा है, जनता का प्यार और स्नेह भाजपा के प्रति देखा है, भाजपा सरकार के काम के प्रति देखा है। उस काम के बल पे मुझे उम्मीद है कि सरकार जरूर बनेगी, कमल खिलेगा, झारखंड आगे बढ़ेगा, कमल खिलेगा। और कमल खिलेगा या नहीं खिलेगा ये 12-1 बजे तक पता चल जाएगा। मुझे लगता है रुझानों की बात, राकेश आप कुछ कह रहे थे, रुझानों की ब्रेकिंग आगे हो गई है। मैं ये बोल रहा था कि अभी देखिए 37 और 36 हो गया है, बीजेपी प्लस 36 और कांग्रेस प्लस, मुझे लगता है जेएमएम प्लस इसे कहे, जेएमएम प्लस जो है वो 37 हो गया है। तो एक बार फिर से देखिए ये T20 मैच की स्टाइल है, बिल्कुल T20 मैच चल रहा है। विजय कौशिक जी, अभी जो जिस तरह से शिवम कह रहे थे कि जब हमें चुनाव लड़ना है ये इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, हमारा वर्किंग स्टाइल ही ये है कि नेशनल हो गया है। तो एक बार फिर से देखिए ये T20 मैच की स्टाइल है, बिल्कुल T20 मैच चल रहा है। विजय कौशिक जी, अभी जो जिस तरह से शिवम कह रहे थे कि जब हमें चुनाव लड़ना है ये इज पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, हमारा वर्किंग स्टाइल ही ये है कि नेशनल इश्यूज की भी बात करेंगे और हम राज्य के मुद्दों की भी बात करेंगे, उसके बाद जनता फैसला करती है। जब जनता फैसला कर रही है तो ऐसा क्यों है कि लगातार अपनी बात को कम्युनिकेट करने में कांग्रेस और उसका अलायंस पिछड़ जाता है? देखिए, मैंने कहा ना कुछ कमियां हमारी भी रही हैं, लेकिन आज भाजपा जिस तरह से कांग्रेस में कमियों को लेकर जी आत्ममंथन इंट्रोस्पेक्शन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलता रहता है, आत्ममंथन भी होता है, चर्चाएं भी होती हैं, और निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी क्या सबक लिया 2014 के बाद से, अब तो 6 साल हो गए हैं, क्या सबक लिया? देखिए, आप देख रहे हैं कि जब से सोनिया गांधी जी ने दोबारा कमान संभाली है एक नया परिवर्तन कांग्रेस में देखने को मिला। अच्छा, नया परिवर्तन आया, क्योंकि राहुल गांधी से संभल नहीं रहा। आज भी बदल जाएगा। आप देखिए, राहुल गांधी जी जो काम कर रहे थे वो आज भी उतना ही काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा काम कर रहे हैं 100%। अब थोड़ी फ्रीक्वेंसी ज्यादा बढ़ गई है विदेश जाने की। सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने झारखंड में कितनी रैली को संबोधित किया? राहुल पहले राज्यों को बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सतीश जी ने बता दिया कितनी रैलियां की हैं, लेकिन इनको ये याद नहीं है कि इनके नेता ने कितनी रैलियां की हैं, कितनी सीटों को कवर किया। चलिए एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए, मैं आपसे एक बड़ी सीधी सी बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए जहां जहां गठबंधन के अनुसार उन्हें रैलियां करनी थी उन्होंने की रैलियां, लेकिन जो प्रमुख मुद्दा यह है कि भाजपा वहां केंद्रीय मुद्दों पर ही चुनाव लड़ती रही, राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ती रही, वहां राम मंदिर बनाने का वादा करती रही, वहां दूसरे वादे करती रही, लेकिन जो क्षेत्रीय मुद्दे थे जिन पर इनकी सरकार फेल थी वहां पर इन्होंने कोई चर्चा नहीं की। और मैं इस बात को इसलिए दावे के साथ कहता हूं कि वहां इस बार वहां की जनता ने धूल जो चटाने का मन बना चुकी थी वो रिजल्ट के रूप में हमारे सामने कुछ कौन धूल चट रहा है, विजय कौशिक कौन धूल चट रहा है, विजय जी अभी कौन धूल चट रहा है? अभी आपके सामने स्पष्ट है कि आधे से ज्यादा अभी जो काउंटिंग है वो नहीं हुई है, मतलब नहीं, आप तो इस बात पर खुश हो रहे हैं, आप तो इस बात पर खुश हो रहे हैं कि बीजेपी अगर आगे भी जाती है तो उसका 65+ का नारा फेल हो रहा है। आप तो पहले से ही, आपने थोड़ी देर पहले कह दिया हमें कंसोलेशन प्राइज मिल चुका है। देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि ये अभी फाइनल नतीजे नहीं है, फाइनल नतीजे क्या होंगे इसका अंदाजा ना आप लगा सकते हैं। विजय जी, मैं 10 सेकंड, कंबोडिया में 1979 से रूलिंग पार्टी है CPP, झारखंड में आपका कंबोडिया की सरकार से ही अलायंस था क्या? क्योंकि अलायंस के हिसाब से जितनी रैली कर रही थी उतनी कंबोडिया की बात करते हैं, कभी 5 टोटल यहाँ करी, 7 टोटल हरियाणा और महाराष्ट्र में करी, गठबंधन के धर्म में राहुल गांधी के लिए इतना काम कम क्यों आता है हिस्से में? शिवम देखिए, गुरूर अच्छी बात नहीं, गुरूर नहीं है ये, सुनिए ना मेरी बात, झारखंड का स्पिल ओवर इफेक्ट बिहार में भी नजर आएगा। बिहार में आप लोग क्लैरिफाई कर चुके हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा है,
जब बताया जाएगा कितनी रैली करें तो फिर आपको भी एडजस्टमेंट रैली करनी होगी। एक पार्टी ये सारी चीजें वैक्यूम में नहीं होती। एक, एक, एक बड़ी खबर, बड़ी खबर, बड़ी खबर। राकेश, सुदेश महतो पीछे चल रहे हैं। आजसू के चीफ झारखंड में किंग मेकर बन सकते हैं बाबूलाल मरांडी। और हालांकि अभी दो सीटें हैं जेबीएम के पास सिर्फ, और पहले मुख्यमंत्री राज्य के थे जब राज्य का गठन हुआ था, लेकिन 2014 का चुनाव इनके लिए बड़ा बुरा था। दो सीटों पर थे और दोनों सीटें हार गए थे। एक बार फिर से अब किंगमेकर की स्थिति, लेकिन आजसू के पास जिसके पास अकेले पांच सीटें आ रही हैं, और सरकार बनाने के लिए अगर यही रुझान नतीजों में कन्वर्ट होते हैं तो जाहिर सी बात है बिना आजसू और जेबीएम के अगली सरकार बनने नहीं जा रही है। और नहीं बनने जा रही तो अभी सुदेश महतो खुद पीछे चल रहे हैं। और ये भी एक बड़ी दिलचस्प बात है आंचल की, अब झारखंड राज्य बनने के बाद से अभी तक जितनी सरकारें बनी है आगे पीछे किंतु परंतु परोक्ष या परोक्ष रूप से सुदेश महतो की उन सरकार में भूमिका रही है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प पहलू है। तो विजय कौशिक एक बात बताइए, इतना तो तय है कि आपको जरूरत पड़ेगी, बाबूलाल मरांडी से बातचीत चल रही है, आप भी किसी से बातचीत कर रहे हैं क्या? देखिए पार्टी हाईकमान इस बारे में निर्णय लेता है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के नेता अन्य दलों के नेताओं के संपर्क में भी हैं। अन्य दल कौन? इसमें आजसू और जेबीएम दोनों ही है। और मैं एक चीज और बड़ा स्पष्ट कर दूं कि अभी ये फाइनल नतीजे नहीं है, हमें अभी तक पूरी उम्मीद है कि हम अपने दम पर, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो हमारा महागठबंधन है, नहीं मतलब हम, आप जिस तरह से बात करें ना विजय कौशिक जी, ऐसा लग रहा है कि एचडी कुमारस्वामी का कर्नाटका का एक्सपेरिमेंट जो आपने दोहरा दिया फिर महाराष्ट्र के अंदर, और ये तीसरी बार कि चाहे आजसू हो चाहे बाबूलाल मरांडी हो किसी को भी बना दो, बीजेपी को रोक दो, तो जीतना इतना जरूरी हो गया कांग्रेस के लिए, चलिए स्पिरिट अपने आप में। इसके ऊपर क्या कहेंगी प्रिया, हमारे साथ जुड़ गई है बीजेपी की प्रवक्ता। बीजेपी 35 सीटों पर रुझानों में है आगे और कांग्रेस अलायंस जेएमएम का 38 सीटों पर, यह आंकड़ा लगातार बदल रहा है। पहली प्रतिक्रिया प्रिया आपकी? नीति बट जो ये नीति हमारे साथ है, बहुत ही अर्ली रुझान है, बहुत ही पहले के रुझान है। अभी हम लोगों को आगे के जब तक चीजें डिसाइड नहीं होती हैं, जब तक और सीट्स का और काउंटिंग नहीं हो जाती है, तब तक कौन किससे गठबंधन करेगा नहीं करेगा वो आकलन लगाना अभी थोड़ी बाद की बात है। दूसरी बात ये है कि झारखंड में बीजेपी ने जो काम किया है, जो स्टेबिलिटी दी है सरकार को रघुवर दास जी की नेतृत्व में, उसको लेकर हम लोग आगे गए थे। अभी कांग्रेस के मेरे भाई जो बोल रहे थे कि बीजेपी ने सिर्फ सेंट्रल एजेंडाज का बात किया, सर सेंट्रल में अगर बीजेपी है और जो काम वहां पर किए गए हैं तो उसका झारखंड को भी फर्क पड़ा है, जो उनको जो झारखंड के अंदर बजटिंग और फंडिंग दी गई है उससे भी वहां पर जो तरक्की हुई है और जो डेवलपमेंट हुई है उसका भी वहां पर फर्क पड़ा है, और जो एक स्टेबिलिटी वहां पर आई है रघुवर दास जी की नेतृत्व में उसको लेकर हम लोग आगे बढ़े। तो रघुवर दास जी के नेतृत्व में स्टेबिलिटी आई है, ये उन्होंने रिकॉर्ड बनाया 5 साल तक इकट्ठे सरकार चला के। मुझे 5 काम रघुवर दास के गिनवा दीजिए। बात आप ये समझिए कि बीजेपी ने हमेशा एक ये जो कास्ट डायनामिक से ऊपर उठकर जो वहां पर बात करी है, और नक्सलवाद में भी जो वहां पर अटैक्स हुए हैं उसमें भी बहुत कमी आई है, तो उस चीज को लेकर हम लोग जो बढ़े थे उस टाइम पर भी, और जो एक नॉन ट्राइबल नेता के तौर पर 5 साल वहां पर स्टेबल गवर्नमेंट रघुवर दास का, आपने नक्सलवाद की घटनाएं कम हुई है, आई विल ग्रांट यू 1, बाकी 4 काम। वहां पर बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम है, मेरे पास स्क्रीन नहीं है, मुझे पता नहीं है बोल कौन रहा है, पर वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के भी काम हुए हैं, वहां पर जो स्कूल्स के भी काम हुए हैं, वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज भी वहां पर बढ़ाई गई हैं, आप मेरे को बोलती है तो मैं आपको पूरा उनका काम का भी वो बता दे देती हूँ, बट अल्टीमेटली ये वहां पर दर्शाता है कि 5 साल आंगनवाड़ी और आंगनवाड़ी टीचर सड़कों पर उतरा है, उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गया, तो बहुत सारी बातें तो इस तरह की भी है, और यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि सभी लोग जो एग्जिट पोल पे इशारा कर रहे हैं कि आप लेजर पार कर नारा दे रहे थे, मोदी जी तो जीतते हैं लेकिन सीएम कैंडिडेट आखिरकार राज्य को हरवा देते हैं, सवाल ये आ जाता है कि डबल इंजन ग्रोथ में एक ही इंजन काम कर रहा है, मुख्यमंत्री का इंजन काम नहीं कर रहा है। देखिए आंकड़ा दे रहे थे हमारे हिसाब से तो अभी जितना उसके अंदर अभी तक रुझान है
आई थिंक वो एग्जिट पोल से तो ज्यादा अभी तो आ ही रहे हैं, बट आगे का भी हम लोग देखते हैं क्या होता है। अभी बहुत जल्दी है उस चीज पर वो दिखाना कि कौन सफर करेगा, कौन सफर नहीं करेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। बड़े आज तो सारे प्रवक्ता बड़ा फूक फूक के कदम लग रहे हैं, ये बहुत अच्छा ट्रेंड मुझे लग रहा है कि अच्छा आपने आपने पांच काम पूछे थे नीति, आप बहुत मुझे लगता है कि बहुत काम बहुत हुए हैं। नहीं नहीं बहुत जानकारी जिस हिसाब से जिस हिसाब से आचल जी पूछ रही थी उस हिसाब से जवाब तो नहीं आया, लेकिन चलिए चलिए अगर नीति अगर मान ले बहुत काम हुआ है, लेकिन पार्टी के अंदर इतना विरोध कैसे हो गया? चुनाव से पहले रघुवर दास को खुली छूट दी गई सीटों की, उसका नतीजा क्या निकला? पार्टी के अंदर टूट जैसी स्थिति, टूट तो नहीं कहेंगे लेकिन वैसी स्थिति हो गई। सरयू राय अकेले चले गए, वो सरयू राय जो लालू यादव माफ कीजिएगा राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े, उनके साथ गेस्ट हैं एक्चुअली, तो हमें वहां जाना पड़ेगा। आप अपना सवाल जरूर कंटिन्यू कीजिएगा। ओवर टू यू राकेश। देखिए आचल, हमारे साथ बीजेपी झारखंड के सब प्रभारी रामविचार नेताम हैं। नेताम जी पिछले डेढ़ महीने से लगातार झारखंड में डेरा डाले हुए थे। जिस तरह से झारखंड के जो अभी रुझान आ रहे हैं, अभी परिणाम नहीं आए हैं, लेकिन कांटे की टक्कर है। बीजेपी जिस तरह से आप लोग दावा कर रहे थे उसके अनुसार से रुझान नहीं आ रहे हैं। देखिए अभी तो शुरुआती दौर है, शुरुआत में जो रुझान आ रहे हैं रुझान के आधार पे कहीं कहीं बराबरी का कांटे का टक्कर दिखाई दे रहा है, लेकिन अंतिम मतगणना होने की स्थिति तक भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से सरकार बनाने जा रही है और उसमें किसी प्रकार का हम अभी भी उम्मीद है कि मतलब स्पष्ट बहुमत मिलेगा आपको। निश्चित तौर पे बहुमत मिलेगा ही, क्योंकि जिस प्रकार से माइक्रो मैनेजमेंट के आधार पे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है और जिस प्रकार से लोगों का हमारे टीम वर्क से जो काम करने वाले जो बड़ी टीम थी उन सब ने जो मेहनत किया है, परिश्रम किया है, हमने भी झारखंड के सभी क्षेत्रों में दौरा प्रवास किया, उसके आधार पे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई रोक नहीं सकता। क्या आपको अगर सीटें कम मिलती है तो जेवीएम की बात किया जाए, आज तो आपके सहयोगी थे सरकार में 2014 के जो आपने भारी जीत दर्ज की थी, लेकिन क्या फिर से इनसे रास्ता खुला रखे? देखिए पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आनी है और हमने किसी के साथ जो है संबंध तोड़ा नहीं है। हमने आजसू के साथ लोकसभा में मिलकर के चुनाव लड़ा, लेकिन विधानसभा में तो उन्होंने अकेले मैदान में उतार दिए। आपने भले ही सिल्ली में सुदेश महतो को के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारा, लेकिन उन्होंने अकेले दम पर जो है चुनाव, वो समय परिस्थिति कुछ ऐसी रही होगी जिसके आधार पे वो अलग से चुनाव लड़े हैं। इसके बावजूद हमारे किसी प्रकार से कोई संबंध खराब नहीं रहे हैं और हम लोगों ने लोकसभा में मिलकर के चुनाव लड़ा है। अच्छा, सब बात कर रहे हैं जेबीएम की, बाबूलाल मरांडी की पार्टी की, क्या उनसे भी बातचीत आपने शुरू किया है? देखिए अभी तो हमारी वो स्थिति अभी नहीं है, हम लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और इस दिशा में अपनी सोच चल रही है। नहीं, अगर कम हो, अगर सीटों की संख्या कम होती है नेताम साहब, तो क्या जेबीएम से भी बातचीत? देखिए सीट कम होने के तो कोई सवाल ही नहीं है जी, सीट कम नहीं होंगे, हमारी सरकार बनेगी। इब्तदाई कम हुई तो जेबीएम क्या आगे आगे देखिए होता है क्या, तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं है या नहीं है या दिखाने की कोशिश है? अभी तक जितने प्रवक्ता सारी पार्टियों के एक ही बात नहीं कर रहे हैं, सब फूक फूक कर कदम रख रहे हैं। राकेश आप बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछ रहे थे। एक तो जिनसे मैं सवाल पूछ रहा था वो शायद पैनल पर है नहीं, नीति उठकर चली गई है, सवाल मैं उन्हीं से कर रहा था क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के अंदर विरोध की स्थिति पैदा हो गई। लेकिन इस बार एक बार फिर से देखिए टैली से पूछ सकते हैं टैली पर, हाँ मैं शिवम से पूछूंगा, लेकिन एक बार फिर से टैली में जो तस्वीर है वो बदली है। बीजेपी 33 पर आ गई है, जेएमएम प्लस कांग्रेस प्लस जो है वो 40 पर आ गए हैं, 806 है
और इसके साथ ही जेडीएम दो है, यानी इतना तो तय है कि अगर बीजेपी को बीजेपी इस स्थिति में आती है कि वो सरकार बनाए तो बिना जेडीएम और आजसू के उसकी सरकार नहीं बनने वाली है। जो शुभम मैं जो नीति से सवाल कर रहा था वो सवाल मैं आपसे ले लेता हूं। सरजू राय को टिकट नहीं मिला, सरजू राय जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक बड़ा चेहरा रहे, लालू यादव के खिलाफ उन्होंने आवाज बुलंद की, चारा घोटाले को अंजाम तक पहुंचाने में सजा दिलवाने में बड़ी भूमिका रही, उनको दरकिनार कर दिया गया सिर्फ रघुवर दास के कहने पर, यह गलती हुई है बीजेपी से? देखिए मुझे लगता है सरयू राय की आज भी पार्टी सम्मान करती है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने निर्दलीय खड़ा होने का फैसला किया मुख्यमंत्री के खिलाफ, तो उसको देखते हुए पार्टी ने उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया। जहां तक बात डिसीशंस की है, पार्टी की कोर कमेटी मिल बैठकर और क्षेत्रीय कोर कमेटी खासतौर पर मिल बैठकर उस पर निर्णय लेती है, और सरयू राय का मैं कहूंगा पार्टी तो चाहती थी कि वो हमेशा साथ रहे, लेकिन जिस तरह से एक संदेश जाता है, देखिए अलग अलग स्टेट्स में शिवम जो संदेश गया कि आप अपनों को संभाल कर नहीं रख पाए, चाहे मैं हरियाणा की बातचीत करूं चाहे महाराष्ट्र की बात करूं, आपके बर्थों के साथ ही आपके बर्थों के साथ ही शिवसेना ने साथ छोड़ दिया, यहां पर सरजू राय हो गए इतना बड़ा चेहरा, क्यों आप उसे अपने साथ संभाल कर नहीं रख पाए, क्यों आप उन्हें संतुष्ट नहीं रख पाए? आजसू जी जो अलग जाकर चुनाव लड़ी, अभी देखिए बिना आजसू के आपकी सरकार फिलहाल की स्थिति में नहीं बनेगी। अच्छा ठीक है राकेश, जवाब देने दो शिवम को। मुझे लगता है समय समय पर हर स्टेट की सिचुएशन अलग होती है, अगर आप शिवसेना की बात करें वो भी एक अलग सिचुएशन थी, अगर आप महत्वाकांक्षा की पराकाष्ठा पार कर जाएंगे और आपको सिर्फ यही है कि हमें चीफ मिनिस्टर बनना ही है, तो उस सिचुएशन में कोई भी आपको नहीं रोक सकता। मंदिर के अंदर बाबा साहेब बाल ठाकरे जी के कमरे के अंदर ये आपने विश्वास दिलाया था कि अगला मुख्यमंत्री शिवसेना, तो फिर हमने कमरे के, अगर हमने कमरे के अंदर दिलवाया था तो वो स्टेज के पीछे से बैठ के कम से कम और भी कुछ नहीं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ही सकते थे। मुझे लगता है संजय राउत जी ने उन दिनों में करीब 70-80 बार पत्रकारों से बात की लेकिन कभी खुलकर नहीं बोला। आपने महत्वाकांक्षा की बात कही, किसके पास महत्वाकांक्षा नहीं होती है? राजनीति में अगर कोई जाता है, कोई कार्यकर्ता है, वो इसलिए अपने नेता के पीछे है कि कल को वो विधायक बनेगा, विधायक इसलिए बड़े नेता के पीछे है कि कल को वो सीएम बनेगा, सीएम इसलिए आगे बढ़ता है कि वो केंद्र में पहुंचे। जो महत्वाकांक्षा की बात कही, किसके पास महत्वाकांक्षा नहीं होती है? राजनीति में अगर कोई जाता है, कोई कार्यकर्ता है, वो इसलिए अपने नेता के पीछे है कि कल को वो विधायक बनेगा, विधायक इसलिए बड़े नेता के पीछे है कि कल को वो सीएम बनेगा, सीएम इसलिए आगे बढ़ता है कि वो केंद्र में पहुंचे। जो केंद्र में एमपी है वो इसलिए बढ़ता है कि कल को हो सकता है उसके प्रधानमंत्री बनने के साथ टिकट मिले। मेरे पास पौने पांच साल के सामना रखे हुए, मुझे नहीं पता था कि आपका ये सवाल मेरे पास आएगा, नहीं तो मैं उनकी कटिंग्स भी जरूर लेके आता। पौने पांच साल एक पार्टी ने जिस तरह अलायंस में होते हुए भारतीय जनता पार्टी उसकी सरकार को गालियां दी। नहीं अब आप ऐसे स्लिप होकर नहीं जा सकते, जिस तरह से गालियां दी, बावजूद उसके बावजूद इसका केंद्रीय नेतृत्व उनसे मिला और मिलने के बाद उनसे बात की, बनना चाहे तो उसे दरकिनार किया जाएगा? नहीं बिल्कुल दरकिनार नहीं किया जाएगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि पार्टी जो टिकट देती है वो उन लोगों को देती है वो जो जीत कर आ सके। सभी वरिष्ठ नेताओं का भी सम्मान है, सरयू राय का भी सम्मान है, लेकिन सिचुएशन को देखते हुए अगर भारतीय जनता पार्टी की मतलब पार्टी ने अगर उनको टिकट नहीं दिया था तो मुझे लगता है कि शायद उनको इंतजार करना चाहिए था, पार्टी उनके लिए बेहतर विकल्प ढूंढती, लेकिन जो हुआ मुझे लगता है आज रिजल्ट्स आपके सामने हैं, उतना ज्यादा नुकसान हमें नहीं है। मैं कहता हूं हम सरकार अभी भी बना रहे हैं, सरकार अभी भी बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, ये मैजिक फिगर तक आप कैसे पहुंचेंगे? बता दिया कि खरीद फरोख्त करने के लिए तैयार है भाजपा और वहां किसी भी कीमत पर ये विधायकों को चिंता की बात नहीं है ना विजय कौशिक जी? आपकी तो सरकार वैसे ही बन रही है, अभी थोड़ी देर पहले तक आप सरकार बना ही रहे थे, बहुमत का आंकड़ा आप छूने जा रहे थे रुझानों में, कॉन्फिडेंस नजर आ रहे थे, खरीद फरोख्त का क्या करना है आपको, चिंता क्यों? बीजेपी अगर इन विपरीत परिस्थितियों में भी दावा कर रही है, इसका मतलब इन्होंने काफी नोट संभाल कर रखे हैं वहाँ पर खर्चा करने नहीं, के लिए, इसका मतलब ये है कि खरीदेंगे नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारे क्या मतलब है?